एशिया कप में जीता हिंदुस्तान लेकिन फायदे में रहा पाकिस्तान। एशिया कप इंडिया जीते लेकिन नंबर वन पाकिस्तान कैसे बन गया? भारतीय टीम एशिया कप जरूर जीत गई है लेकिन नंबर वन टीम भारतीय टीम नहीं बनी है। अभी भी 115 रेटिंग पॉइंट के साथ पाकिस्तान नंबर वन पे है और पाकिस्तान दोनों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहा है। इंडियन टीम एशिया कप चैंपियन बन गई ये तो आप जानते ही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान एक बार फिर से वर्ल्ड नंबर वन बन गया। हालांकि अभी एशिया कप जीतने के बावजूद भी टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है। एशिया कप में जीता हिंदुस्तान लेकिन फायदे में रहा पाकिस्तान, यूं कह सकते हैं कि आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया के साथ बड़ा खेला हो गया। जी हाँ, टीम इंडिया ने एशिया कप तो 8वीं बार जीत लिया जिसके बाद लग रहा था कि टीम इंडिया ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने नंबर एक का ताज फिर से हासिल कर लिया है। पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल तक नहीं पहुंच पाई लेकिन रैंकिंग में पाक टीम को जबरदस्त फायदा हुआ और टीम इंडिया सिर्फ देखते ही रहे। ये जो रैंकिंग आपने सामने देख रहे हैं इसमें आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की टीम नंबर एक पर है, नंबर दो पर भारत और नंबर तीन पर ऑस्ट्रेलिया। और दरअसल एशिया कप में नंबर एक टीम बनकर पाकिस्तान आई थी लेकिन हार के बाद नंबर एक का ताज पाकिस्तान का छिन गया था। भारत फाइनल मैच से पहले तीसरे नंबर पर था। बांग्लादेश और एशिया कप जीतते ही भारत नंबर एक बन जाता लेकिन बांग्लादेश से टीम हारी, उसके बाद एशिया कप भारत ने जीत लिया लेकिन पाकिस्तान नंबर एक और भारत फिर नंबर दो पर रहा। एक और खबर के साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ है राहुल सर और मैं हूँ आपके साथ सपना दानू। तो खबर है आईसीसी रैंकिंग को लेके जो कि यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है, टीम इंडिया के लिए बड़ी खबर है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक झटका है कि आप नंबर वन से आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं इंडिया जीती है लेकिन नंबर वन पाकिस्तान कैसे बन गया, तो आपको सारा सिनेरियो समझाएगी। और मेरा पर अगर हकीकत बात करें एशिया के तो एशिया में हम ही भाई उस टॉप पर है लेकिन बात है रैंकिंग है आईसीसी की रैंकिंग है, तो आपको एक बार आईसीसी रैंकिंग चलाते और बताते आपको क्या सिनेरियो आपको रैंकिंग में बना है यहाँ पर, तो आप करिए उसे फुल फ्रेम। तो भाई ये आप आईसीसी की रैंकिंग आप ये देख रहे हो, यहाँ पर पाकिस्तान की टीम 115 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है, इंडिया की टीम 115 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि अभी एशिया कप जीतने के बावजूद भी टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है और सारा समीकरण आपको राहुल सर ने समझा दिया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी टीम रैंकिंग में फेरबदल होता रहता है। पाकिस्तान नंबर वन है, इंडिया सेकंड नंबर पर है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहा है, इंडियन टीम एशिया कप चैंपियन बन गई ये तो आप जानते ही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान एक बार फिर से वर्ल्ड नंबर वन बन गया ओडीआई क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह से हारी है ऑस्ट्रेलिया की टीम और इसका फायदा मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में ओडीआई में 115 पॉइंट के साथ 115 पॉइंट्स के साथ जो है फिर से दुनिया की सिरमौर बन गई है। इंडिया पाकिस्तान को आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए गुड न्यूज आए, और क्रिकेट के फील्ड पे तो और भी कम होता है लेकिन आज ऐसा हुआ है। तो आई होप कि जश्न इंडिया में भी मनेगा, पाकिस्तान के भाइयों को भी खुश होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान की टीम भले ही एशिया कप में फाइनल में नहीं पहुंच पाई लेकिन एक टूर्नामेंट से कोई टीम कमजोर नहीं हो जाती। मैं आज भी कहूंगा पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड साइड और बहुत बड़ी कंटेंडर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम होगी। जो भी पाकिस्तान को लाइटली लेगा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, चाहे वो टीम हो और चाहे वो फैन हो। प्राची माफिया लगातार ये कहती रहती थी कि भैया हमको रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है बाबर आजम का, बस टीम का रैंकिंग नंबर वन पे होना चाहिए। और जब टीम की रैंकिंग नंबर वन पे रही और जब हुआ पाकिस्तान की टीम नंबर वन पहुंची और नंबर वन टीम बनी तो कहने लगे कि भाई हमको ट्रॉफी चाहिए, पहले डिसाइड कर लो ट्रॉफी चाहिए या रैंकिंग चाहिए या दोनों चीज चाहिए, क्योंकि एक कप्तान जो है हर काम आपका नहीं कर सकता है। आप तो वैसे बन गए जैसे कोई गर्लफ्रेंड जो है अपने बॉयफ्रेंड से लगातार डिमांड करते रहती है, मतलब डिमांड खत्म ही नहीं होता है जिस तरीके से औरतों का, वैसे ही कराची मीडिया माफिया और जो बाबर आजम के हेटर्स हैं उनकी भी डिमांड जो है वो लगातार खत्म नहीं होती और कभी खत्म होने वाली है भी नहीं जब तक बाबर आजम कप्तान ना बने, उसके बाद देखें क्या होता है। इन लोगों का एजेंडा चलता रहेगा लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर वन टीम बन चुकी है। भारतीय टीम एशिया कप जरूर जीत गई है लेकिन नंबर वन टीम भारतीय टीम नहीं बनी है। अभी भी 115 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान नंबर वन पे है, कभी तुम नंबर वन कभी हम नंबर वन। मेरा मानना है कि
रैंकिंग से ज्यादा फर्क भाई पड़ता नहीं है, आप एशिया कप जीते हमारे लिए बड़ी बात ये है। राहुल सर देखिए भाई लोग सोशल मीडिया पे सवाल कर रहे थे भाई एशिया कप तो इंडिया जीता पर पाकिस्तान नंबर वन कैसे, तो भाई यही है कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा 3-2 से, और इंडिया की टीम बांग्लादेश से हार गई थी, इसलिए पाकिस्तान को हारने के बावजूद नंबर वन पर। और जो ये आप रैंकिंग देखते हैं, कुछ दिन पहले आप पाकिस्तान का ही देख लीजिए, तीसरे नंबर पे थी और आज पहले नंबर पे ऐसी छलांग लगाई है कि पहले नंबर पे पहुंच गई।